भारत के मंदिरों में चमत्कारी घटनाएं होना आम बात है। साथ ही सदियों पुराने इन मंदिरों में कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर की बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कनिका बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज रूम पोस्ट में। गर्मी में पसीना आना स्वाभाविक सी बात है, पसीने का आना एकदम प्राकृतिक है। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी मूर्ति में भी पसीना आ सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्थापित माँ काली की मूर्ति को पसीना आता है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को इतना पसीना आता था कि वहाँ के पुजारियों को माँ काली के पसीने से भीगे वस्त्र बदलने पड़ते थे। इसे देखते हुए वहाँ माँ काली को गर्मी से बचाने के लिए वहाँ AC लगवा दिया गया। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। जबलपुर में स्थापित इस मंदिर का नाम गोंड काली है। कहा जाता है कि अगर इस मंदिर में लाइट चली जाए तो माँ काली को पसीना आना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर में 24 घंटे AC चलता रहता है। मंदिर में माँ काली की भव्य मूर्ति की स्थापना करीब 600 साल पहले गोंडवाना साम्राज्य के दौरान की गई थी। माँ काली को पसीना आने का असल कारण क्या है, इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।